अपने फायदे के लिए अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि ये सारी चीजें जब इतना ट्रेंड कर गया तब भी कोई बोलने वाला नहीं है, न मुख्यमंत्री के मुंह से कोई शब्द निकल रहा है। किसको छोड़ा युवाओं ने? ऐसा लगता है युवा पक्षपात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं और नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बराबर बराबर सबको लपेटा है जो सरकार में बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं सब वैकेंसीज पे। इन लोगों को परीक्षाओं को लटकाए रखना इन लोगों को मजा आता है। युवा जब तक दौड़ेगा नहीं, गेट जाए खड़ा नहीं होगा, इनको अफसरशाही का भान कैसे होगा? अभी मैं बताऊंगा आपको, बीपीएससी आर के महाजन रिटायर्ड आईएएस, बिल्कुल हाँ, बीपीएससी जो दरोगा का कंडक्ट करती है उस पर रिटायर्ड आईपीएस सुनील कुमार काफी समय से हैं, वो शुरू से बने हुए हैं। इन सारे आपको रिटायर्ड ही बिहार में मिलते हैं और रिटायर्ड वाले लोग को फिर आप कहते हैं, एक बात करते हैं 50 साल के बाद अपनी कार्य क्षमता की जांच होती है, और दूसरे में आप रिटायर्ड को ऑलरेडी रिटायर्ड को एक्सटेंशन दे दे कि आप उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में हमेशा युवा जो है वो सड़कों पे आते हैं रोजगार के लिए, पारदर्शिता के लिए और समय पर परीक्षा होने के लिए। हमने भी इस मुद्दा को काफी पहले समय से उठाते रहे हम लोग, और हम लोग ये समझते रहे कि युवाओं के सामने रोजगार और शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और बिहार में ये आंदोलन मजबूत भी हुआ और देखते देखते आज एक आंदोलन की स्थिति बन गई है जिसमें छात्र जो है सड़कों पे तो नहीं है लेकिन मोबाइल के और कंप्यूटर के माध्यम से ट्विटर फेसबुक पे हैं। पूरे देश में आज जो छात्र हैं वो मोदी रोजगार दो और अलग अलग नाम से जो है ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों छात्रों ने अपना जो है हिस्सेदारी दिखाया है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें अब वादे नहीं चाहिए, हमें दिलासा नहीं चाहिए, हमें अब इसका ठोस प्रमाण चाहिए, वैकेंसी निकाले, हमें जॉब दें। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा, जिनसे हम बात करेंगे। सर, ये एक तरह से छात्रों का आंदोलन है और मैं ट्रेंड देख रहा था तो किसी में जो है 5 मिलियन, किसी में 4 मिलियन, इस तरह कर करके ट्रेंड हो रहा है स्टूडेंट के। क्या आप डाटा बताते सर कि कहां कहां और क्या क्या नाम से ट्रेंडिंग कराया जा रहा है ये सोशल मीडिया पे? आदेश जी, आपने जो डाटा की बात की है, युवाओं की हम बात करते हैं वो सड़कों पर दिखते हैं। अब युवा स्मार्ट भी है, वो डिजिटली भी ग्रो करता है, वो चीजों को देख समझ रहा है। अब सोशल मीडिया पर देखिए, वो युवा जहां एक और सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, चाहे सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखने पर उसे रोकने के लिए नियम कानून समझाए जा रहे हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या पर केस हो जाएगा, ऐसी बातें कही जाती हैं, वहीं युवाओं ने सोशल मीडिया का इस बार सही इस्तेमाल किया। अब आप देख लीजिए जो ट्रेंड कर रहा है वो देश में, बिहार से शुरू हुआ था ये मामला, हम लोगों ने इसमें बहुत पुरजोर तरीके से खबरें को चलाया कि दिखाया है कि कैसे परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर के युवा सड़कों पर है, चाहे जो बहालियां हैं वो लटकी पड़ी रहती हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया छात्रों को बोलने के लिए, बिल्कुल। अब देखिए, जब ये शुरू हुआ आज से 3-4-5 दिन पहले अचानक से सोशल मीडिया में ट्रेंड हुआ मोदी रोजगार दो, और जब मोदी रोजगार दो ट्रेंड हुआ तो युवाओं ने कहा कि 25 फरवरी तक इतना ट्रेंड होना है इसको ताकि सरकार तक बात पहुंचे। अफसोस ये है कि कुछ नेताओं को अगर छोड़ दें तो जिनसे जवाब की उम्मीद है अभी तक उनसे कोई जवाब की उम्मीद नहीं आई है, लेकिन जो ट्रेंड कर रहा है, यकीन नहीं करेंगे आप कि 5 मिलियन ट्वीट्स पॉलिटिकल में जो ट्रेंडिंग बता रहा है, एक नंबर पे मोदी जॉब दो आज ट्रेंड कर रहा है, 2 नंबर पे क्रिकेट का है, लेकिन 3 नंबर पर मोदी रोजगार दो, 1.5 मिलियन ट्वीट है, फिर मोदी रोजगार दो, उसके बाद फिर और भी जो ट्वीट हमारे पास है, टाइमली रिजल्ट, देखिए मांग जो है, टाइमली एग्जाम, ये ट्रेंड कर रहा है मोदी सरकार, ट्रेंड कर रहा है रिफॉर्म इन एग्जाम, ये ट्रेंड कर रहा है, इंक्रीज वैकेंसीज, ये ट्रेंड कर रहा है, सीजीएल 2018 से वो 850 दिन, ये बता रहे हैं ये लोग कि 2.5 साल से जो है इस रिजल्ट के लिए लोग परेशान है, 2018 से जो खेल शुरू हुआ वो लटकता रहा और जैसे जैसे इसमें रिजल्ट दिए गए इसके पारदर्शिता पे युवाओं ने सवाल खड़े किए। उसके बाद क्योंकि SSC कई तरह की परीक्षाएं लेता है और ये देश भर की परीक्षाएं होती हैं, इसमें सब लोग भाग लेते हैं, लाखों युवा का भविष्य इसमें दाव पे लगा रहता है, मेहनत करते हैं। उसके बाद जो ये रिजल्ट आया वो युवाओं को नाखुश कर गया, उन्हें लगा कि किसी का कटअप जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कर दिया गया, जो नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ हो गई, किसी को बहुत ज्यादा पड़ गया, किसी का बहुत ज्यादा कम हो गया, तो ऐसे में युवा हो गए परेशान। उन्होंने वही कहा जो आज के डेट में बिहार में दरोगा परीक्षार्थी कह रहे हैं कि हमें अपना मार्कशीट देखने दीजिए, हमने कितना बनाया, क्या किया, वो लोग भी वही कह रहे हैं हमें अब सीजीएल का मार्क्स चाहिए,
हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन पर हमको भरोसा नहीं है, आप हमें बदल के दीजिए, हमें जो मार्क्स आया था वो दिखाइए। अब युवा ये मांग रहे हैं, और इसके साथ ही ट्रेंड हो गया कि हम परीक्षा में कब तक लटके रहेंगे। अब कोई 850 दिन ये लटके रहेंगे तो कैसे फिर आगे का करियर होगा, क्या होगा उनके साथ? ये बिहार में नहीं पूरे देश की समस्या बन गई। अब बिहार में तो हम लोग कह ही रहे थे बंगाल में ममता रोजगार दो, मध्य प्रदेश में मामा रोजगार दो, गहलोत रोजगार दो, ये सारी जो है सभी सरकारों से युवाओं ने मांग किया। और मजे की बात ये है, ये ट्वीट हल्के में नहीं है, पूरे ट्वीट बल्क में आए हैं, क्योंकि बेरोजगार युवा बैठे हैं और सड़कों पर जाएंगे तो आप डंडे मारेंगे, तो डिजिटली तो कर सकते हैं ना, यहाँ डंडे मारने से पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से हुआ, किनको किनको पकड़ेंगे, मिलियन ट्वीट्स है, भर लेंगे क्या जेल, नहीं भर सकते हैं। लेकिन अफसोस यादव जी कि जवाब किसी ने भी तक इसको नहीं दिया। हाँ, जो विपक्ष होते हैं राहुल गांधी का, मेरा अगला प्रश्न था कि आखिर नेता के तरफ से वो हमेशा बोलते हैं कि युवाओं को सोचकर हमने सब कुछ किया है, युवा की सरकार है, नीतीश कुमार जी कहते हैं 20 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, तो आखिर जवाब कोई सरकार के नुमाइंदे की तरफ से आया है कि नहीं? नहीं आया है सरकार के नुमाइंदे की तरफ से। अगर बिहार की बात कर ले तो भविष्य के सपने दिखा दिए गए, 20 लाख रोजगार हम देंगे आने वाले दिनों में। कैसे देंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि ना रोड मैप है, ना कोई प्लान है, कुछ भी नहीं है, बस ये जो है जुमलेबाजी है। ये कैसे देंगे? क्योंकि जो पिछली वैकेंसियां हैं वो तो आप क्लियर कर नहीं पा रहे हैं, जो वैकेंसी है उसमें झोल है, उसमें सफाई की बात तो है ही नहीं, तो आप कैसे दे देंगे? कन्हैया कुमार बड़ा अच्छा ट्वीट किए हैं, खैर हम लोग ट्वीट पढ़ देते हैं। युवाओं को न रोजगार न फैक्ट्री, बस खुद का बेटा क्रिकेट सेक्रेटरी, ये निशान आप समझ रहे हैं कहां पर है? सही बात है कि अगर आप लोग खुद सेटल्ड हैं तो बेटा को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं आप। लेकिन जो युवा है, जो आपकी ताकत है, जिसे आप मेन पावर कहते हैं, वो मेन पावर सड़कों में बैठा है, एक परीक्षा में उलझा हुआ है कि रेलवे देगा तो कब रिजल्ट निकलेगा पता नहीं, SSC देगा तो कब रिजल्ट आएगा और कैसा रिजल्ट आ जाएगा, उसमें पारदर्शिता है कि नहीं, किसने पैसे के बल पे वहां तक सेटिंग कर ली, ये सब झोल स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। जब युवा इन चीजों से उलझेगा तो नतीजे सर ये प्रश्न था कि अगर ये कितना प्रभावशाली होगा। हालांकि पिछले साल हमने देखा था कि रेलवे का जब एग्जाम 1.5 सालों से नहीं हो रहा था तो छात्रों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया, और जो रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं उन्होंने घोषणा किया कि 15 दिसंबर 2020 से आपके परीक्षा शुरू होंगी और हो भी गए। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा रोजगार दो, ये क्या इफेक्ट डाल पाएगी सरकार पे? ये देखिए, अगर ये दबाव सिर्फ सोशल मीडिया पे बना रहा, अगर इसे मीडिया ने हाईलाइट किया, हम लोगों के अलावा भी नेशनल मीडिया, रवीश कुमार ने थोड़ी शुरुआत कर दी है, NDTV से शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसे मीडिया जिन पे आरोप लगते हैं कि आप सरकार के गाल बजाते हैं, वैसे मीडिया ने अगर इसे दिखाना शुरू कर दिया तो प्रवक्ताओं को जवाब देना पड़ेगा, पैनल शो में डिबेट में कोई लाइव देगा तो जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा युवा फिर सड़कों पे उतरे, सोशल मीडिया ने मैसेज पहुंचा दिया, देश भर के युवाओं को जगा दिया, वही पूरा युवा हर एक राज्यों में सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दे इस बात के लिए रोजगार दो। ये नहीं कि बीजेपी का झंडा लेकर जा रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद, हम मोदी समर्थक हैं, हम राहुल गांधी के समर्थक हैं, ये नहीं, हमें रोजगार चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। अभी देखिए, मैं देख रहा हूं कि ट्रेंड क्या करता है, स्टूडेंट डिमांड्स, उसमें 5 लाख से अधिक ट्वीट है, टाइमली ज्वाइनिंग 7 लाख ट्वीट है। अब जस्ट सोचिए ये मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर जो एग्जाम जो होते हैं सबके लिए एक बड़ा बड़ा आयोग बनाया गया है, आज सीनियर IAS इसके अध्यक्ष होते हैं या IPS अध्यक्ष होते हैं, पूरी एक टीम होती है, सारा उनका एक तरह से स्वायत्त उनको दे दिया जाता है कि आपको इतना बहाल करना है। अब देखिए सर, SSC पर भी आरोप लग रहे हैं कि 850 दिन मेरा कहाँ गया, यहाँ BSSC देखिए 7 साल हो गया, फिर से BPSC देखिए जो अभी 64वीं का इंटरव्यू चल रहा है वो 3 साल हो गया, तो आखिर ये आयोग, ये UPSC को अगर हम छोड़ दे केवल, तो आखिर ये आयोग करती क्या है कि आखिर इतना समय इनको लग जाता है? ये इच्छा शक्ति की कमी है ना, सरकारी तंत्र अगर चाहे कि हमें रोजगार देना, या तो सरकार की मंशा साफ नहीं है, उन्हें पता है कि युवाओं को फेंक देना एक रोटी, हमने वैकेंसी निकाल दी है, अब आप लटके रहिए, उलझे रहिए, जवानी बर्बाद करते रहिए। देखिए ना, CHSL 2018 का एग्जाम है, 546 दिन हो गया, CGL 2017 1200 दिन हो गए, CGL 2018 850 दिन हो गए, तो ऐसे में जो परीक्षा जो MTS 2019 498 दिन हो गए, तो ये सारे युवा जो अब ये ट्रेंड करा रहे हैं, ये कम से कम उनके आंख में तो जाना चाहिए, ध्यान तो पड़ना चाहिए कि परीक्षा व्यवस्था में आप सुधार कब करेंगे, वो भी अलग ट्वीट है। आप देखिए, रिफॉर्म इन एग्जाम जो है वो 1.18 मिलियन ट्वीट युवाओं ने किया है उस पर, उसके बाद वैकेंसी बढ़ाने के लिए लगभग 9.5 लाख ट्वीट है, उसके बाद अब टाइमली एग्जाम के नाम पर देखिए 2 मिलियन से अधिक ट्वीट है,
पूरा जो है ये सर, एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो रोजगार की मांग कर रहे हैं ये कैसे रोजगार होंगे, सरकारी या फिर रोजगार के अवसर प्राइवेट सेक्टरों में भी? मैं सरकारी तो इतने लोगों को दिया नहीं जा सकता है, उतना जगह भी नहीं। बेसिकली इस बार का जो ट्रेंड है आप जो मैं देख पा रहा हूँ, जो युवा लिख पा रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं, फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं। उन्होंने बस 6 मांगे रखी हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, रेगुलर एग्जाम साइकिल जो आप बाहरी निकाल रहे हैं, फेयर एंड एरर फ्री पेपर, पेपर में गलतियां ना हो और साफ सुथरा एग्जाम हो, टाइमली रिजल्ट और स्कोर कार्ड, रिजल्ट भी आए और स्कोर कार्ड भी हम देख सकें, इक्वल लेवल ऑफ पेपर एवरीडे, प्रत्येक दिन पेपर जो है एक बराबर, ये नहीं कि कोई ये ना कहे 19 तारीख का बहुत हार्ड था, 20 तारीख का आसान हो गया, वेटिंग लिस्ट डिक्लेरेशन ये भी जल्दी हो, उसके बाद जाके ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी, कुल मिलाकर के आप जो है ट्रांसपेरेंसी रखें। और एक जो कह रहे हैं कि सभी परीक्षा जो है जो सरकारी एग्जाम जो लेते हैं लोग उसमें सुधार हो, एग्जाम रिजल्ट प्लस ज्वाइनिंग ये 3 चीज एक साल के भीतर हो जाए, उन लोगों की मांग है। वैकेंसी जो आप और बढ़ाइए, वैकेंसी आप अगर आप में क्षमता है तो और बढ़ाइए, और जो पेंडिंग जो भी वैकेंसीज हैं उसको आप बहुत जल्दी क्लियर कर दीजिए। ये बेसिक मांगे फिलहाल हैं, और ये मांगे सही बात है कि अगर आपने बिहार में भी देखा है कि विभागों में जो है नॉर्मल जो कैलकुलेशन, ये तो सर मांगे जो हैं ये डेमोक्रेटिक मांगे हैं जो कि हर एक आदमी को ये जानने का हक है कि बिल्कुल एक समय से हो, फिर से उन्होंने कितना स्कोर किया, क्वेश्चन सही होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए उसको लेकर, पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आखिर ये समझ में, देश में आज 75 साल हम लोग आजादी के अगले साल मनाएंगे, इतना दिन हो गया हम ये दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या संस्थाओं में अभी तक लोकतंत्र लागू नहीं किया गया जो कि छात्रों के या अन्य किसी लोग के भी भविष्य के साथ न्याय करते हैं? देखिए अजय जी, जितना मांझी ने कहा ना कि अभी भी सरकार में अफसरशाही खत्म नहीं हुई है, ये अफसरशाही का नतीजा है, और सरकार की मिलीभगत कितनी है, क्योंकि सरकार जवाबदेह होती है इस चीज के लिए, तो अफसरशाही को ठीक कौन करेगा, वो तो सरकार ही करेगी ना। तो अफसरशाही ऐसी है, आयोग में आप जब भी जाते हैं, दरोगा आयोग में पहुंच जाते हैं, वहां पे आपसे मिलने वाला कोई नहीं होता है, और जब कोई मिलता है तो इस तरीके से बात करता है जैसे वो हिटलर हो और हम लोग कहीं से जो मुजरिम है, तो इस तरह से बात की जाती है। तो ये अफसरशाही का नतीजा है। अगर कोई आयोग परीक्षा क्लियर नहीं कर पाता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? स्वायत्ता के नाम पे आप कब तक तानाशाही करेंगे? हम कर रहे हैं, 5 साल अटक गया, 6 साल अटक गया, आपका चुनाव आ गया, आपकी सरकारें बदल गई, परीक्षा पीछे रह गई, या फिर सरकार नहीं भी बदली तो भी आप संज्ञान नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर के यही लगता है कि युवाओं ने जोश तो दिखाया है, लेकिन इस जोश पे कोई संज्ञान लेने वाला तो हो, कोई बोले तो सही, कोई अगर बोलेगा नहीं, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा तब कैसे होगा? ऐसी बात नहीं है कोई देख नहीं रही हो रहा होगा इसको, अमित शाह की नजर है, अमित शाह को सोशल मीडिया रिफॉर्म्स की एक हिदायत चल रही है कि हमने ये कानून कर दिया थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, ये वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये आदमी युवा लिख रहे हैं तो इसका भी तो नजर गया होगा कि आप ट्रेंड, टॉप ट्रेंड कोई करता है वो किसी की नजर से बच नहीं सकता है। सर आप ये बात कहा कि अफसरशाही, क्या आपको लगता है सर कि अफसरशाही और ये जो राजनीतिक दल हैं इनके बीच में गठजोड़ हो चुका है, ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और पीछे जाते हैं आम लोग और आम? बिल्कुल, देखिए अफसरशाहियों का क्या है, जो अफसरशाह लोग हैं वो तो सरकार से मिली भगत हो गया, सरकार के निर्देश पे ये लोग काम करने वाले हैं, मातहत पदाधिकारी जो ये उनको सलाह भी देते हैं, सलाह देते हैं सर ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, और मुख्यमंत्री से लेकर हर कोई अपना अपना सलाहकार रखता है, बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स को रखता है, तो ये लोग आयोग में बैठे होते हैं। अब इनका मकसद क्या है, इनके बेटे कितना सेट हो पाते हैं परीक्षाओं में, कहाँ जॉब कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कितना पैसा, भगवान जाने, तभी तो इन्हें दूसरे के बेटे का दर्द नहीं दिखाई पड़ता है, तभी तो इनकी परीक्षाएं जो है लटकी रहती हैं, लेकिन ये लोग जो है मजे में रहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोग में नए नए सदस्य जुड़ते हैं। इसमें समझिए कि मैं देख रहा था कि बीपीएससी में सदस्य बनने के लिए आदमी का, किसी आईएएस अफसर का रिटायरमेंट अगर बाकी है तो वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेकर के आयोग में जाकर सदस्य बन जाता है, समय से पहले रिटायर हो जाता है फिर उसमें जाकर सदस्य बन जाता है। सर ये हमको समझ नहीं आता है कि ये जितने भी आयोग हैं उसमें रिटायर लोगों को क्यों लगाया जाता है? इस वजह से परीक्षाएं रिटायर हो रही है। जो अभी मैं बताऊंगा आपको, बीपीएससी आर के महाजन रिटायर्ड आईएएस, बिल्कुल हाँ, बीपीएससी जो दरोगा का कंडक्ट करती है उसमें रिटायर्ड आईपीएस सुनील कुमार काफी समय से हैं वो, शुरू से बने हुए हैं, फिर से मैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, एसके द्विवेदी रिटायर्ड डीजीपी हैं, केएस द्विवेदी,
फिर से अगर बात करें BSSSC रविंद्र कुमार रिटायर्ड IPS, तो आखिर सारे आपको रिटायर्ड ही बिहार में मिलते हैं और रिटायर्ड वाले लोग को फिर आप कहते हैं एक बात करते हैं कि 50 साल के बाद आपकी कार्य क्षमता की जांच होगी और दूसरे में आप रिटायर्ड को ऑलरेडी रिटायर्ड को एक्सटेंशन दे दे कि आप उनका एक लाइन में अगर देखा जाए ना जो व्यवस्था बन रखी है बिहार में चाहे पूरे देश में, इनको कहा जाना चाहिए था कि आप 50 प्लस वाले रिटायर हैं, इनकम्पिटेंट हैं, आपको हमने मौका दिया बीपीएससी में अध्यक्ष बना करके बीपीएससी में अध्यक्ष बना करके, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आपने एक वैकेंसी 7 साल में क्लियर नहीं करा पाया, तो आपको ये रहने का कोई हक ही नहीं बनता, आप जबरदस्ती रिटायर हो जाइए। एक मैं बासा का रिपोर्ट पढ़ रहा था जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन है, उनका कहना है कि सारे अहम ओहदे जो है ये IAS संवर्ग लेता है बिहार में, तो और बिहार जो है लगातार बीमारू राज और गरीब राज बना ही रह गया, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? स्वाभाविक तौर पे आप बदलाव की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि आज 25, 26, 27 साल का कोई युवा IAS बनकर के सामने आता है, तो उसके क्षमता का आप इस्तेमाल इस वक्त क्यों नहीं करते हैं? रिक्रूटमेंट कोई आसान प्रोसेस नहीं है, रिक्रूटमेंट देश को भविष्य देता है। अगर कोई बहाली निकलती है तो युवा चुन करके आते हैं, तो अगर क्षमतावान कोई IAS अफसर आपके पास है, IPS अफसर आपके पास है, उनको आप आयोग में क्यों नहीं बैठाते हैं? फिर उन्हें बैठाइए ना, उनको टारगेट दीजिए कि भाई तुम ये परीक्षा 1 साल में क्लियर करके दिखाओ, और वो चैलेंज जब वो पूरा करेंगे तब जाकर के जो बूढ़े बूढ़े रिटायर लोग बैठे हुए हैं उन्हें कम से कम शर्म आएगी कि हम 7 साल तक बैठे कर क्या रहे थे, किसके हम इशारों का इंतजार कर रहे थे, कितने साल हमें लगे, क्यों? ये चीजें उनको देखनी पड़ेगी, नहीं देखेंगे तो ये युवा गुस्सा कहाँ निकालेगा, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सड़क पे कहाँ निकालेगा, कितना लाठी खाएगा। और सरकार तब तक ट्रेंड में तो ऐसा भी आता है कि ये लोग सरकार का या उनके नुमाइंदे जो भी होते हैं, मंत्री विधायक जो भी, उसकी बातें इसलिए भी ज्यादा मानते हैं क्योंकि उनका एक्सटेंशन बना रहे, सरकार जो है उनके साथ अपना करार जो है खत्म न करे, जबकि आप अगर 60 साल के अंदर वाले को अगर अध्यक्ष बनाएगा तो उसका तो उसको आप हटा नहीं सकते हैं ना, वो तो नौकरी में ऑलरेडी है, लेकिन ये नौकरी के बाद भी अपना जो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाए हुए हैं। बस यही सब कारण है, अपने फायदे के लिए अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि ये सारी चीजें जब इतना ट्रेंड कर गया तब भी कोई बोलने वाला नहीं है, ना मुख्यमंत्री के मुंह से कोई शब्द निकल रहा, किसको छोड़ा युवाओं ने? ऐसा लगता है युवा पक्षपात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं और नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बराबर बराबर सबको लपेटा है जो सरकार में बैठे हुए हैं। उन्होंने जब शिवराज सिंह चौहान को लपेट लिया, मामा रोजगार दो, दीदी रोजगार दो, गहलोत रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, नीतीश रोजगार दो, तो सबसे तो मांग कर रहे हैं, तो कम से कम इतना में से कोई आदमी तो आगे आके कहते हैं युवाओं को संबोधित कीजिए, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, आप परीक्षाओं को टाल टाल करके। एक और चीज देखिए कि नॉर्थ इंडिया जो है ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि वहीं के CM लोग को टारगेट किया जा रहा है, और नॉर्थ इंडिया ही सबसे ज्यादा हक और अधिकार की बात करता है, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा अनदेखी यहीं पे हो रही है, और युवाओं के साथ कुंडली मार के बैठे हुए हैं सब वैकेंसीज पे, इन लोगों को परीक्षाओं को लटकाए रखना इन लोगों को मजा आता है कि युवा जब तक दौड़ेगा नहीं, गेट के आगे खड़ा नहीं होगा, इनको अफसरशाही का भान कैसे होगा कि जब तक एक बार लाठी नहीं चलवा देंगे युवाओं पे, इन्हें कैसे पता चलेगा, गुमान होगा कि अरे हम तो इतने बड़े अफसर रहे हैं, हम रिटायरमेंट के बाद भी सरकार ने हमारे काम पे भरोसा जताया है। मैं कहीं उनका भाषण सुना था नीतीश कुमार का कि ये तो मैं इनको एक विभाग में इतने सालों से रखा हूं, मैंने इनको ये कहा है कि मैं तब तक आपको नहीं हटने दूंगा जब तक पूरी चीजें क्लियर नहीं हो जाएगी। पता नहीं किस विभाग की बात कर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है, किसी IAS अफसर की बात कर रहे हैं। हाँ, नौरत में है कुछ लोग जिनको लगातार लंबे समय से रखा गया है, बोलते मैं उन्हें हटने नहीं दूंगा, अगर वो इतने काम के हैं तो सही फील्ड में लगाइए उनको, फिर तो फिर उनको आप रख करके उनके मन को आप इतना बढ़ा देते हैं कि बाहर युवाओं को सुनने वाला कोई नहीं है। भाई जनता की चुनी हुई सरकार है, उसके अफसर है, वो जनता की बात नहीं सुनेगा, वो तो सेवक है ना, तो जनता की बात नहीं सुनेंगे ये लोग तो कौन सुनेगा, तो समस्या तो बनी रहेगी, पूरी स्थिति गड़बड़ है, तो समस्या बनी रहेंगी। और जो छात्र हैं वो अभी ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो कल हो सकता है सड़कों पे भी आ जाए। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि अब युवाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और जो भी अभी बिहार में सत्ता है या केंद्र में भी सत्ता है उसमें से अधिकतर लोग जो है वो छात्र राजनीति की ही उपज है, और वो भी एक समय अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज बुलंद की है, लेकिन आज जब ओहदे पे पहुंचे, आज जब उनके पास करने के लिए कुछ है, युवाओं का भविष्य सुधारने का शक्ति उनके हाथ में है, तो वो भी इग्नोर कर दिए हैं और नहीं ध्यान दे रहे हैं, और बूढ़े रिटायर्ड अफसरों के हाथ में यहाँ की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को सौंप दिए हैं, जो कि उस कार्य को सही ढंग से कर पाने में असक्षम दिख रहे हैं।
तो सरकार को एक पूरी तरह से रिव्यू और आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि जो युवा है वो असंतोष उनमें ना फैले, बल्कि उनको जो है देश और देश की संस्थाओं के प्रति निष्ठा और आस्था बनी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।